कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। मैं भी ठीक हूँ। और खुश आमदीद उर्दू की क्लास में। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? सब्जियों के नाम। बिल्कुल, कल हमने सब्जियों के नाम किए थे। और उससे पहले जो हम लोगों ने पीछे जब लेसन छोड़े थे, तब हम क्या कर रहे थे? हम हरूफ को मुसब्बतों के साथ मिला रहे थे। तो हम मीम तक पहुंच गए थे। आज हमारा जो अगला हर्फ है वो है, मीम के बाद क्या आता है? नून। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये करें कि इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग हरूफ तहजी का गाना देखें हमारे अपने चैनल एट वर्ल्ड का, ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए कि कौन सा लफ्ज कहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हम हरूफ तहजी से रिलेटेड जो अल्फाज है वो भी देखेंगे। पहले आप गाना देखें, ठीक है? हरूफ तहजी का गीत है। तहजी का गाना भी खत्म हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, मसरूफ़े तहजी को तो नहीं, नून को मुसब्बतों से मिलाते हैं। सफा नंबर निकालिए 58, सफा नंबर 58। नून अलिफ ना नून बानो, नून छोटी है नी, नून बड़ी है ने, ना नून नी ने। अब पहले हम देखेंगे कि ना से कौन से वर्ड बनेंगे। ना से क्या है, आपको सबसे पहले तो मुझे ये चीज दिखानी है। देखिए, सबसे पहले नून से क्या है? नमाजी। अब ये नून के साथ मीम जुड़ा है, अलिफ तो जुड़ा नहीं है। नारियल, नारियल हो सकता है। नून ना नलका, नून ना नक्शा, नून ना नाशपाती। हमारे लिए यहाँ पे सिर्फ दो लफ्ज ऐसे जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना से, नारियल और नाशपाती। ये हमारी तस्वीर है। नून ना नमाजी, नून ना नारियल, नून ना नलका, नून ना नक्शा और नून ना नाशपाती। अब हमारा, अच्छा, सबसे पहले जो हम लफ्ज यूज करते हैं, आपका नाम क्या है? आप नाम, नून अलिफ ना मीम ना, नून अलिफ ना लाम अलिफ ला नाला, नून अलिफ ना नून अलिफ ना ना ना, नून अलिफ ना नून छोटी नी नानी। अब ये नानी और ये नानी, ये दोनों इसमें आएगा, क्योंकि इसमें ये भी इस्तेमाल हुआ है और इसमें अलिफ भी इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, नून अलिफ नून वानो क्या नोक, और नून अलिफ ना काफ नाक भी तो होता है, नोक के बाद है जी। जी मलिक जा नून बड़ी ने जाने, ये एंड पे आते हैं। मैंने आपको बताया था कि नून जो छोटी और बड़ी है के साथ मुसब्दे जब हम मिलाते हैं, ओ सॉरी, रुपेता जी को जब छोटी और बड़ी है मुसब्दों के साथ मिलाया जाता है तो वो हमेशा एंड पे आते हैं, ठीक है? अब नून वो नो, नून वो नो काफ़रे कर नोकर। ये हो गई हमारी कुछ अल्फाज नून से। अब नून अलिफ ना नून ना, ज्यादा जो है लफ्ज वो हमारे आ रहे हैं नून अलिफ ना से। नून अलिफ ना इस्तेमाल हुआ ज्यादा अल्फाज में।
उसके बाद नाशपाती, छोटी नाशपाती, ये हमारे लफ्ज हैं नून से जो कि हमने मिलाए हैं। नून अलिफ नामीना, नून अलिफ नाला, अलिफ ला नाला, नून अलिफ ना, नून अलिफ ना नाना, नून अलिफ ना, नून छोटी नी नानी, नून अलिफ ना काफना, नून वानो क्या नो, नून वानो काफरे कर नोकर, नून अलिफ ना, नून छोटी नी नानी, जी मलिक जान, नून बड़िए ने जाने, नून अलिफ ना नून नान, नून अलिफ ना शी पेशक नाश, नून अलिफ ना शी नाश, बे अलिफ पाते छोटी थी नाश पाती। अब इसमें तो ये मैंने आपको ज्यादा वर्ड इसलिए बताया कि आपको नून से पता भी होना चाहिए अल्फाज कौन से हैं और आपकी उसमें कौन कौन से वोकैबुलरी वर्ड यूज होते हैं। इन्हीं अल्फाज को आप दो दो दफा लिखेंगे कि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और आपको हर चीज अच्छे से आ जाए, ठीक है। यही लफ्ज आप दो दो दफा लिखेंगे आप। तो बच्चों अभी आपको मैंने दिखाना है हरूफ तहजी से अल्फाज, ठीक है। अभी आप हरूफ तहजी से अल्फाज भी देख लें ताकि अगर कोई वर्ड मुझसे रह गया जो मैं नहीं बता सकी या कुछ हुआ है तो वो आप इसमें से पढ़ लें और आपकी थोड़ी सी अल्फाज की रिवीजन भी हो जाए जो हम अभी तक कर चुके हैं, ठीक है। ये आप आज के टॉपिक है हरूफ तहजी। उर्दू के हरूफ तहजी। अलिफ आ अनार, बे ब बतख, बे प पानी, ते द ताला, ते ट टमाटर, से स समर, जीम ज जहाज, जे ज चाकू, हे ह हलवा, खे ख खरबूजा, दाल द दीवार, डाल द डाक, जे ज जखीरा, रे र रेल, पहाड़ र रे, ज जेवर, द जालाबारी, ज जराफ, स सजदा, शीन श शलजम, स्वा स साबुन, ज़्वा ज ज़ियाफ़त, तोए तो तोता, जोए ज जरूफ, एन और आइनक, गैन गो गुबारा, फे फ फवारा, का को कुरान, का क कुर्सी, का ग गमला, ला ल लड़की, नी म मस्जिद, नू न नमाज, वाव व वर्क, हे ह हाथ, हमजा त हमजा, छोटी ये य यक्का, बड़ी ये कपड़े, ए बड़े।
ये था हमारा, हमारे क्या था, ये हरूफ़े तहजी का, हरूफ़े तहजी का वर्ड्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि आप लोग देखो, ये मैं ना टेक्नोलॉजी की चीजों से बहुत तंग आ जाती हूँ कभी। हम लोग अब ये करेंगे कि अभी तक जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उन सबको हम रिवाइज करेंगे, ताकि हमारे जो एग्जाम्स होने, जो असेसमेंट्स होने, वो हम अच्छे से दे सकें। आज हमने नून किया है, कल इंशाल्लाह हम कोई पढ़ाई करके सात रंगों के नाम भी करेंगे। कल हमारा जरा कलरफुल सा लेक्चर होगा, तो आपने बेटा अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है अपनी, और इसको अच्छे से याद भी करना है, ताकि आपको कोई भी बंदा कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता हो कि आप एडवर्ड के। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।